Hello student, my name is Jayesh Thakur, Tivoli Central with IIT Trade Electrician. तो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सेफ्टी है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा आपका सेफ्टी, इसको बोलते हैं सुरक्षा, क्या बोलते हैं सुरक्षा। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जैसे अगर कोई करंट के उससे कनेक्ट में आ गया है ना, तो उसे कैसे उसको बचाव करना है। हमें फील्ड में काम करने से पहले हमें क्या क्या करना, और काम करने से पहले कौन कौन सा सुरक्षा सावधानी का उनको अपनाना है ना, तो किस उन चीजों के बारे में हमें पता चलेगी। अब एक्चुअल हम फील्ड में जा रहे हैं तो जाने के बाद वहाँ कौन सा सुरक्षा दृष्टिकोण को अपनाना है, आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हमारे पॉइंट ले रहे हैं सुरक्षा। सुरक्षा क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि सुरक्षा का अर्थ होता है सुरक्षित करना, ठीक है। अगर कोई भी आकस्मिक वातावरण के कारण कोई दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना से बचाव करने के लिए अगर हम एक अलग प्रणति अपना रहे हैं, सुरक्षा दृष्टि को अपना रहे हैं, सबसे बोलते हैं सुरक्षा या सुरक्षित, ठीक है ना। पहला जैसे मान लो अगर हम कार्यशाला में काम कर रहे हैं या कहीं कारखाने में काम कर रहे हैं या किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार में जो काम कर रहे हैं वहां पर किसी दुर्घटना से बचने के लिए हम सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो सब किसका अंतर्गत आता है, आपकी सुरक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो भी सुरक्षा हमें किस विधि से सुरक्षा विधि को अपनाने से, भारतीय नियमों के अनुसार जो सुरक्षा विधि बताई गई है, सुरक्षा नियम जो बताया गया है, उसके तहत हम लोग यहाँ पर क्या करना है, आपको सुरक्षा की अवधारणा को समझना है और सुरक्षा की अवधारणा को समझने के बाद उसे अपने फील्ड में या कहीं भी हम काम कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से हमें काम करना सुरक्षित रहेगा, ओके स्टूडेंट। तो सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भारत की जो मूल है ना, भारत के जो मूल नियम बनाए गए हैं यहाँ पर दूसरी से लेकर, उस नियमों का हमें पालन करना चाहिए और आकस्मिक कारण से होने वाली दुर्घटना से बचना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रह सके और अपने जान माल और अपने देश को बचा सके, ठीक है। ये होता है सुरक्षा। अब आता है सुरक्षा नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। देखो क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सुरक्षा नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जागरूकता होनी चाहिए। अगर हम जागरूक हैं तो उस कार्य को करते हैं संवेदनशील है, उस कार्य को हम सही तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम उस जागरूक नहीं है उस कार्य को हम कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, हमें दुर्घटना तो होगा ही होगा और हमारे उसमें क्या हो सकती है, जान बचा सकते। तो हमें सुरक्षा के प्रति क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, ताकि हम वहां पर जागरूक हो सके और अपने कार्य को कर सके, ठीक है। देखो कोई भी अगर कार्य है, कोई भी अगर इलेक्ट्रीशियन है, तो वो अपने कार्य को क्या करना चाहिए, सुरक्षित तरीके से सजग तरीके से काम को करना चाहिए, वो उसका एक तरह का नियम है, उसको नियम बनाना, नियम के मुताबिक उसको काम करना चाहिए, वो उसका एक कार्यकारी काम है। कोई भी इलेक्ट्रीशियन है उसको सुरक्षा की दृष्टि से सही काम करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, काम हो सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो अपने कार्य को अपने सही तरीके से संवेदनशील होकर करता है ना, दुर्घटना की दुर्घटना को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विद्युत है वो बहुत ही संवेदनशील है, ठीक है, बहुत ही संवेदनशील है, उससे हमें बहुत तेज प्रकार का झटका लगता है, दूसरे वीडियो में बताया था अगर 90 वोल्ट से ज्यादा होगा और जो करंट की जो रफ्तार होती है 10 मीटर प्रति सेकेंड होती है ना, तो बहुत ज्यादा होता है, हमारे शरीर को इफेक्ट पहुंचाता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारा धन धन का तो हानि होता ही है, इसके खास कर उसको क्या हो सकता है, जान भी जा सकता है, ठीक है। दूसरा काम ये होगा, इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर किसी को काम, अगर काम को सही तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से अगर कर रहा है, तो क्या होगा कि कई प्रकार के जो आघात होते हैं, उस आघात से बचने के लिए वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है और अपने आप को अपने जागरूक को बचा सकता है, अच्छा ये काम कर सकता है, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि एक अगर नहीं हो सकता तो उसमें विद्युत क्या होता है, सैन्य समय पर काम करता है, होते हैं कि जैसे हमें कोई कहावत दिया गई होती है, विद्युत क्या है, अच्छा इम्प्लॉय भी है, अच्छा वर्कर भी है, लेकिन वो एक प्रकार का बहुत बुरा मास्टर है ना, वही है क्या, उसको विद्युत को हमें क्या करना चाहिए, विद्युत इज अ ग्रेट इम्प्लॉय बट इज अ बैड मास्टर, बोलते हैं कहावत है, सेम वही है कि विद्युत क्या है, अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर उसे ना अपनाया गया, सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर काम ना किया गया, तो वो क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार
काम कर रहे हैं जिससे उसके ऊपर हैवी लोड लगा हुआ है लटके हुए, उसके नीचे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी वहाँ पर हानि हो सकती है, चीजों के बारे में आपको पता है दुर्घटना का बारे में यहाँ पर करना ओके। अगर कोई जो कार्य काम कर रहे हैं ऊपर काम कर रहा है नीचे के काम कर रहा है तो हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मान लो पहले भी कोई कल पूजा ऊपर से काम कर रहे छूट गया और कल पूजा उसने सीट में गिरा तो उससे जान माल की हानि हो सकती है, तो आपको इसको याद रखना है हेलमेट का प्रयोग हमेशा हेलमेट का विशेषकर काम करते हुए हेलमेट का प्रयोग आप लोगों को करना है ठीक है। हम कई बार मशीनें क्या होती है आवाज करने लगती है, कई बार क्या होती है मशीनें जो होती है वो आवाज करने लगती है और मशीनें आवाज करने के कारण क्या होता है कि मशीनों की आवाज करती है तो हमें लगता है उसमें ब्रिज लगाती है, मशीनें आवाज करती है क्या करती है ब्रिज लगाती है, तो अगर मशीन चल रहा है रनिंग कंडीशन में है तो आपको वहां पर चलते मशीनों में ब्रिज नहीं लगाना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है वो है ना, उससे क्या हो सकता है आपको कि अगर हम मशीन चल रहा है तो उसकी जो गियर होते हैं कई बार मशीन गियर
मशीन के गियरों में क्या करना है, चलती मशीन गियर रिपेयर नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर चलती मशीन की गियर रिपेयर नहीं करना है आपको, आपको ये काम करना है कि अगर मशीन बंद है तो आप उसके काम को वापस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मशीन का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो आपको उसको तुरंत रिप्लेसमेंट करना है, उसको ठीक कर सकते हैं, करना है लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो आगे आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे मशीनों की सुरक्षा के बारे में, तो आज तक यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा